वेलकम एवरीवन, स्कास्ट जम्मू जो सिलेक्शन लिस्ट 2020 में जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग थी उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आप सबसे डिस्कस कर रहे थे क्या कट ऑफ रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए। देखिए, इस बार जो है वो रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको कट ऑफ जानना ज़रूरी है प्रीवियस ईयर में क्या रहा था। सेकंड राउंड काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए कट ऑफ रहा था वो 58.75 कट ऑफ रहा था, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। उसके बाद बीवीएससी के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग में कुछ सीट्स वैकेंट थी, इसलिए सीडीपी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहा था 79 स्कॉस जम्मू में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें स्कॉस जम्मू के लिए फॉर एकेडमिक सेशन 2000। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो बीएससी एग्रीकल्चर का क्या कट ऑफ रहा था स्कास जम्मू में। कैटेगरी की बात करें सीडीपी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ रहा 75, ठीक है ना, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सीडीपी कैटेगरी के लिए। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें यहाँ पर 81.75 कट ऑफ रहा एससी कैटेगरी के लिए। एएलसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो है वो रहा आपका 67.75, एएलसी या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर कैटेगरी के लिए 67.75 मार्क्स पर बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पर स्टूडेंट्स को अलाट हुआ, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लास्ट यहाँ पर 5 सीट्स थी, तो यहाँ पर 69.75 कट ऑफ रहा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है, रैंक 221। पीएसपी कैटेगरी के लिए 59 कट ऑफ रहा पीएसपी कैटेगरी के लिए। डब्ल्यूयूई कैटेगरी के लिए 20.25 पॉइंट्स, ठीक। एनआरआई कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ रहता है आपका 18.75, ये सेकंड राउंड है, ठीक है, 18.75 पर एनआरआई जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 18.75 पर कट ऑफ रहा था, ठीक है। यहाँ से देखें आप 27.25 इस तरह से मार्क्स पर कैंडिडेट्स को एडमिशन मिली, ठीक है ना। तो ये सेकंड राउंड के बाद स्कास जम्मू में जो कट ऑफ रहा था वो आप सबसे डिस्कस किया हमने। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं स्कास जम्मू में, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सो होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी।